देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई दिल्ली सुल्तानपुर के गांधी आर्ट गैलरी में 3 दिन तक चलने वाले आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया और इंडिया से बाहर से आए सभी आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। ये आयोजन शोरूम आर्ट गैलरी के द्वारा करवाया गया है। आइए देखते हैं नरगिस प्रवीण जी ने क्या कुछ कहा इस आयोजन के बारे में। मैं आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अ सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट लवर, कनोजियर ऑफ आर्ट, बॉन्ज़ाई लवर, बॉन्ज़ाई मेकर, एंड जनरली समबडी हु बिलीव्स इन क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड वी वन इज काइंड टू द काइंड टू हिज कॉमन काइंड टू हिज ह्यूमन काइंड हिज नेबर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। दिस इज अ ब्यूटिफुल concept devised by Shoma and her husband, Nargis Shoma and her husband, where 4 countries have attempted to amalgamate into one art center. Artists from Australia, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and India have merged here together to create this common platform for artists to have a common market in India. In these programs, what is more important is that the artists should be placed on the dais, they should be honored and not chief guests and guests of honor, because this is a program for the artists, by the artists and for the artists, because it is their work that we come to appreciate. The guests, chief guests should be sitting on the in the front row, but the artists should be honored because it is because of them. To encourage art, to make art not only livelihood but also as a culture center, it is very important that the artists be treated with the highest respect. Like I've always said, that unless in this country the teacher is the most respected human being, the country cannot progress. Same way in the field of art, unless the artist is respected, the world of art will never reach its pinnacle. From Sri Lanka. Actually, I am the president of the Shorang Art Group, and I am honored to be here with the founder, Nargis Shoma. So, mostly I wanted to give a message to all the young artists who are talented, who have talent. World is very big. You can show your talent and go ahead and be a very well-known artist. Last message देना चाहते हैं आर्टिस्टों को. World is big, and you can come to our art group and show your artwork and then go ahead with it. मेरा नाम नरगिस परवीन है और मैं बांग्लादेश से हूँ. मैं लेक्चरर हूँ राष्ट्रीय आर्ट कॉलेज का, और राइटर भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ. और ये मेरा 7th time है इंडिया में आने का, और इंडिया से मुझे 6 अवार्ड भी मिला है, दिल्ली से 2 अवार्ड और अहमदाबाद से और अदर सिटी से मुझे 6 टोटल मिला है. और ये मेरा ग्रुप का 2nd शो है, और 1st शो हुआ था राजशाही में, बांग्लादेश में. और इस शो में 63 आर्टिस्ट का काम है, और 11 कंट्री का आर्टिस्ट भी है इधर में. तो इधर में अमेरिका, जापान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, बहुत सारा आर्टिस्ट का काम है. और मेरा इतना सारा आर्टिस्ट का मिलकर एग्जीबिशन लगाने का एक ही मकसद था, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की मौका नहीं मिलता है, और इसलिए हम इतना सारा कंट्री का आर्टिस्ट का एग्जीबिशन इधर लगाया हूँ. जो आर्टिस्ट को बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, वो इधर आके थोड़ा सा भी उनका पेंटिंग देख सकता है. मैं ज़्यादा स्टूडेंट आर्टिस्ट को लेकर काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट ही में फ्यूचर है. तो अगर स्टूडेंट लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म दे दूंगा, तो आगे वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उधर से शुरुआत होता है. तो शुरुआत से वो बेटर प्लेस पाएगा, तो उसको बाद में और भी बहुत अच्छा कर सकता है. मेरा नाम सुनैना ठाकुर है, मैं मिथिला आर्ट बनाती हूँ, आर्टिस्ट हूँ. और आर्टिस्ट के अलावा मैं सोशल वर्कर भी हूँ, टीचर भी हूँ, और
ऑर्गेनाइज प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज भी करती हूँ। ये सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ये आर्ट गैलरी भी जो विनोद सर है हमारा, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं आर्टिस्ट लोग के, क्योंकि आर्टिस्ट सब के पास पैसे नहीं होते हैं, जो इसमें पैसे वाला ही आर्टिस्ट नहीं होते, गरीब भी है, तो हम लोग आर्ट बना करके घर में पैसे के कारण से रखते हैं। तो विनोद जी है तो फ्री में अपने गैलरी दे करके इधर प्रोग्राम कराते हैं, तो सबसे पहले उनके थैंक्स, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र नरगिस सुमा है उसका भी थैंक्स, मैं भी हूँ उसके साथ ऑर्गेनाइज़र, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर 12 कंट्री से कलाकार है, तो सब कलाकार के सब किस्म के आर्ट यहाँ पर है, तो सब आर्ट देख करके, सब आर्टिस्ट के वर्क देख करके मुझे अच्छा लग रहा है, इसे सीख भी मिलता है। मैं पिछले 5 साल से ये गैलरी आर्टिस्टों को फ्री प्रोवाइड करता हूँ, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता। मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं चाहता हूँ कि और गैलरी वाले भी आगे आएँ, या गवर्नमेंट भी कुछ आर्टिस्टों की हेल्प करे, इसलिए मैंने ये गैलरी स्टार्ट की है कि शायद मुझे देख के किसी को और थोड़ा सा आर्टिस्टों के प्रति हमदर्दी हो तो वो गैलरी खोले, या गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई आर्टिस्टों की हेल्प नहीं करती, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आगे बढ़ें। आर्टिस्टों का तो अवार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि उनको अच्छा लगे, वो आगे बढ़ें, वो सोचते हैं कि हाँ हमारा भी कुछ काम आगे बढ़ा है, हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मेरी गैलरी में आज जो आर्टिस्ट आए हैं पूरे इंडिया से आए हैं, इंडिया के बाहर से आए हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से, श्रीलंका से हैं, और बांग्लादेश से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। मैं चाहता हूं और पूरे वर्ल्ड से आर्टिस्ट आएँ यहां अपनी एग्जीबिशन करें। मैं चाहता हूं सभी आर्टिस्ट अपना अच्छा काम करें और यहां आएँ, यहां एग्जीबिशन करें और आगे बढ़ें। हेलो, मेरा नाम निर्भय अर्जुना है और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर एंड मॉडल हूं, और मैं नरगिस प्रवीण जी का तहे दिल से स्वागत, थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो है इस ब्यूटीफुल एग्जीबिशन में जो है इन्वाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे देखने को मिला कि बाहर से कंट्री से भी लोग आए, और अमेजिंग, बहुत बढ़िया। आर्टिस्ट को मैं देख के सिर्फ यही कहना चाहूँ कि जो नरगिस प्रवीण ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है न्यू आर्टिस्ट को, उससे क्या होगा कि जो छुपे कलाकार है उनको एक मौका मिलेगा, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए सामने आने का और अपने टैलेंट को दिखाने का। अबाउट द आर्ट एग्जीबिशन, ओके, थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली गुड ऑनर फॉर द आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज, एंड इट्स रियली इंस्पायर्ड ऑल द आर्टिस्ट, दोज आर रियली डू समथिंग फॉर द आर्ट बैकग्राउंड, सो फॉर देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड डू समथिंग फॉर द It's really our culture and art all over the world, and we appreciate those are organizing. I'm the part of organizer too, so I'm proud the one of the organizer. Yes, we try to do all over the world the exhibition, and you know, what our Suma told the Australia, and I did few before in Australia with the art exhibition with the Bangladeshi only artist, around 12 very renowned 12 artists from Bangladesh. So next time we can do all about the Asian countries, and they can come to Australia and do the big art exhibition. Thank you. देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।